हर हर महादेव दोस्तों, रोटी का आटा तो हमारे घर पर हर रोज ही बनता है। और दोस्तों, कभी कभी हमारे हाथ से ज़्यादा भी आटा गूंथा जाता है, तभी हम क्या करते हैं, आटा ज़्यादा होने के बाद हमें कभी कभी चपाती बनाने के लिए कंटाला भी आता है। तो ऐसे समय में दोस्तों, आटा फेंकने के जगह या स्टोर करने की जगह आप यह चटपटी रेसिपी बना के देखिए। यह रेसिपी आप बच्चों को टिफिन के लिए दे सकते हैं, वैसे ही शाम के और सुबह के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। इतनी लाजवाब बनती है, हर रोज आप रोटी का आटा बचाते जाओगे, इतनी टेस्टी। अभी दोस्तों, मैं जो रेसिपी बना रहा हूँ एकदम सिंपल है। सबसे पहले बचे हुए आटे से हमें पेड़ा बना के इस प्रकार से पतला बेल लेना है, फिर उस पर तेल इस प्रकार से अप्लाई करके अच्छे से मसाले डालने हैं। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, पाव चम्मच इतना मैजिक मसाला मैगी मसाला ऐड कर दे रहा हूँ, पाव चम्मच इतना अमचूर पाउडर और ढेर सारे 1 टेबल स्पून इतने हमें इधर कसूरी मेथी ऐड करके मिक्स करना है। आप चाहे तो दोस्तों इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, नमक कम होगा तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। और इसे इस प्रकार से एकदम पतला पतला हमें कटर से कट कर देना, आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। या देखिए कितने अच्छे से हमारे लच्छेदार लच्छे बन रहे हैं। अब इन लच्छों को फिर से हम रोटी बनाने के लिए इस प्रकार से हम शेप दे देंगे। अभी इस पर सूखा आटा डस्ट करके इसे एकदम हल्के हाथ से हमें बेल लेना है। आपने दोस्तों कभी भी सोचा नहीं होगा बचे हुए आटे से इतनी डिलीशियस रेसिपी हम घर पर बना सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसमें सफ़ेद तिल ओवा भी ऐड कर सकते हैं। अभी इस पराठे को हमने अच्छे से बेल लिया है, अभी हम इस पराठे को हाई से मीडियम फ्लेम के ऊपर सेक लेंगे। पराठे दोस्तों इतने लाजवाब तैयार होते हैं ना, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, इतने टेस्टी। अभी पराठे को हम दोनों साइड से घी लगाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। या देखिए अच्छे से पराठा कुक हो रहा है, वैसे ही पराठा जैसे जैसे कुक हो रहा है उसके लच्छे सेपरेट होते जा रहे हैं। जरूर दोस्तों आप ये लच्छा पराठा ट्राई करके देखिए, एकदम आपकी फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप बचे हुए आटे से घर पर क्या बनाते हैं। या देखिए दोस्तों पराठे को अच्छे से दोनों साइड से घी लगाकर मैंने देख लिया है, या तो कितना टेस्टी पराठा तैयार हुआ है। अब इस तैयार पराठे को हम गर्मा गर्म ही इस प्रकार से हम लच्छे सेपरेट होने के लिए दबा दबा के सेपरेट कर लेंगे। या देखिए एक एक लच्छा हमारा पराठे से सेपरेट हो गया है। आप चाहे तो दोस्तों इसे हरे चटनी के साथ, वैसे इमली चटनी और टोमेटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ही पराठा खाने में बहुत ही मस्त लगता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, अपने चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ दोस्तों बचे हुए आटे की यह रेसिपी बनना तो बनता ही है, जरूर बना के देखिए और अपने बच्चों को भी खिलाएं। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी बनी थी रेसिपी। चलो फिर मिलेंगे दोस्तों, हर हर महादेव।